जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौती बड़ी है। नहीं, जिसका नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, सुनील बंसल जी जैसे लोग हों, उसके लिए चुनौती का कोई विषय नहीं लगता। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता इतना सक्षम नेतृत्व तो है कि हम लोग के लिए चुनौती का कोई विषय नहीं है। रायबरेली सोनिया का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, ढहा दिया आपने अब? बिल्कुल निश्चित तौर से आपने देखा है कि सोनिया गांधी का गढ़ कांग्रेस का गढ़ कहां जाता रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में तो कांग्रेस कुछ भी नहीं बची रायबरेली में। विनय सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं, मेरे सामने वो चुनौती है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ने दो तिहाई बहुमत से जनादेश दिया है, उसका सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने, हम लोगों को बुलाया गया है, अगर हो सकता है उसमें जो फैसले लिए जाएंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी। बताया नहीं गया पहले से कि क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एजेंडा तो मिला होगा सर? नहीं, आज का कोई एजेंडा नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा, विभागों को लेके बड़ी क्यूरियोसिटी है लोगों में, आपने भी कुछ तय कर रखा है? नहीं, हमने ये तो नेतृत्व का विषय है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस लायक समझेंगे वो दायित्व हमको देंगे, और जो भी दायित्व मुझे देंगे उसका निर्वहन हम लोग अच्छे से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिनेश सिंह, रायबरेली से विधान परिषद सदस्य थे, उनको जिम्मेदारी दी गई है, बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, कहा जा रहा रायबरेली के रहने वाले हैं, तो ये तैयारियां लोग भवन देखिए, एक एक करके सारे मंत्री यहां पहुंच रहे हैं। विशाल के साथ अजीत सिंह जी, मीडिया लखनऊ। तो सभी